नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण पावर्ड बाय स्टिल इंडिया और मैं हूं आपके साथ एकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जहां इस दौरान जरूरतमंदों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। मीटिंग के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि जरूरतमंद गरीब परिवारों की संख्या बढ़ी है और ऐसे में अतिरिक्त घर बनाने की जरूरत होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग की है। इस कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में जरूरतमंदों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत 2015-16 में की थी। इस योजना के तहत जरूरतमंदों को ग्रामीण और शहरी लेवल पर घर मुहैया कराया जाता है। दरअसल मोदी 3.0 सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन के बाद ही, यानी कि सोमवार 10 जून को पीएम मोदी के नेतृत्व में पहली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि पीएमएवाई को लेकर फैसला लिया गया है। इसके तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना का मकसद पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले मकान बनाने में सहायता प्रदान करना है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिछले 10 सालों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित सभी मकानों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ तालमेल करके अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, घरेलू नल कनेक्शन आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना को भारत के बेघर नागरिकों के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर घर बनवाने में मदद करती है। साल 2015 में शुरू हुई इस योजना के तहत 2023 तक सभी गरीबों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 9 जून को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले दूसरे नेता बन गए हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 बार पीएम पद की शपथ ली थी। तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक मीटिंग की सारी जानकारी। लेकिन इस मीटिंग में लिए गए फैसले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक ही पहुंचे।